उत्तर प्रदेश के आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अवैध संचालित अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर प्रकाशित होती रहती है। इसी तरीके का एक मामला सामने आया है। कस्बा बाज क्षेत्र के अंतर्गत न्यू लाइट अवैध संचालित अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अस्पताल संचालित करने वाले व्यक्ति एवं दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश पर चिकित्सा प्रभारी बा जितेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल को सील भी कर दिया है। संज्ञान में आया था कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ऊपर से दिशा निर्देश के अनुसार इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बाकी जो जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। बताया गया था कि नवजात शिशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी भी आई थी, ऐसा कुछ मालूम है? रिपोर्ट आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी कॉपी मिलने के बाद आपको बता। ठीक 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 मिलेगी तो बता। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।